Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama. जी सर, के आज क्या नाम आपका, क्या कहना चाहेंगे आज गीता जयंती के अवसर पर? सर, जिला कैथल पुलिस की तरफ से यहाँ पर साइबर अवेयरनेस के लिए भी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें लोगों के साथ अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पे कॉल करके आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक, जैसे आज देखने में आया है व्हाट्सएप के माध्यम से भी हुआ फ्रॉड हो रहा है, क्या फेसबुक के माध्यम से भी फ्रॉड हो रहा है, सर इसके बारे में क्या साइबर सेल ने क्या इंतजाम किए जो कहे सर? देखिए, डिजिटल का जमाना है, हर जगह ऑनलाइन है हर चीज़ें, तो सोशल मीडिया पे आपको हर आदमी जो आपको रिलेटिव बन के या दोस्त बन के किसी भी प्रकार से आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, आपको सबसे पहले वेरीफाई करना ये मेरा दोस्त है या नहीं है। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आती है, आपको रिलेटिव बताता है या पैसे भेजने के नाम पे आपके साथ वो क्रेडिट की जगह डेबिट की रिक्वेस्ट भेज के भी फ्रॉड कर सकता है। आपको अवेयर रहना है, अगर आप अवेयर होंगे तो आप साइबर क्राइम से बच सकोगे। फिर भी अगर कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। देखने में आया है कि भाई मेरे खाते से पैसे चले गए हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, साइबर क्या इंतजाम? साइबर से मतलब अगर खाते से पैसे जाते हैं तो हमारे किसी न किसी कमी से जाते हैं, हमने किसी को OTP दिया है या कोई सस्पिशियस लिंक के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, या कोई हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, QR कोड आया, उसको हमने स्कैन कर लिया, वैसे खाते से पैसे नहीं जाते हैं। पैसे जब हम कोई गलती करते हैं तभी पैसे जाते हैं, अगर पैसे चले जाते हैं तो आप 1930 पे कॉल करके अपने पैसों को फ्रीज करवा सकते हैं। मैम, जो क्या स्टॉल लगाया आपने, क्या जागरूक किया जा रहा है आज अवेयरनेस के बारे में? सर, हमने क्राइम अगेंस्ट विमेन के रिगार्डिंग स्टॉल लगाया है, जैसे महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी करता है, उनको परेशान करता है, या पोक्सो एक्ट के रिगार्डिंग जिसमें 18 साल से कम उम्र का बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई उनके साथ गलत हरकत करता है, कोई उनके साथ छेड़खानी करता है, कोई रेप करता है, तो उसके रिगार्डिंग उन सबको अवेयर करने के लिए हमने स्टॉल लगाया है। और हमने डायल 112 के लिए भी स्टॉल लगाया कि डायल 112 के लिए जैसे आपको अगर कोई परेशानी हो, कोई एमरजेंसी हो जाए एकदम से, तो आप अगर फ़ोन करते हैं तो आपको विदिन 10 मिनट्स आपको पुलिस की सर्विस मिल जाएगी, 10 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास आ जाएगी। जो महिलाएं पीड़ित है वो अपना फोन करना चाहे, किस नंबर पे संपर्क करें? डायल 112 पे जैसे किसी भी महिला के साथ अगर कभी कोई परेशानी हो, कोई उनको मार पिटाई करता है, कोई उनके साथ छेड़खानी करता है, कोई उनका पीछा करता है, तो उसके रिगार्डिंग वो उनको डायल 112 पे फोन करना चाहिए। और सभी लेडीज के लिए जरूरी है कि वो अपने फोन में डायल 112 ऐप को डाउनलोड करें, और उसके साथ डायल 112 ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये होगा कि अगर कोई एकदम से एमरजेंसी हो जाए तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो रेड अलर्ट एकदम से पुलिस के पास पहुंचता है, और विदिन 10 मिनट्स आपके पास पुलिस आ जाए। जो महिलाएं के एलिगेशन लगाती है बिना उसके, उसके बारे में क्या कहना है आपका? किसके रिगार्डिंग सर? नमस्कार। अरे सुनो रे कंडक्टर वाले, जब तक विधायक ना जा रहा तब तक ना चलो, अगर वो निकल जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड सेफ्टी के बारे में बताई जा रही है। क्या नाम है मैम? और ये सब कुछ नेशनल कॉमिक से है, लाइक
नहीं किया गया, कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया।